आखिर लोग पिटबुल की तरफ क्यों जाते हैं। आज की वीडियो में लोग इसी बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये ना काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक के तौर पे ट्रीट करा जाता है कि भाई पिटबुल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हम तो इस चक्कर में लेते हैं हमें तो अच्छा लगता है, हमारे यार दोस्तों में किसी के पास नहीं है पिटबुल, हम लेके घूमेंगे अलग से टोरा अच्छा लगता है, रोड पे लेके निकलने पे अच्छा लगता है। वो डॉग ब्रीड थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव होती है, डॉग फाइटिंग जैसे गेम के अंदर लोग ले आते हैं, गेम तो बिल्कुल भी नहीं है डॉग फाइटिंग वाला। खैर उसके बारे में हम लोग वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से बात करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना अगर आप लोग एक क्रैक्स को जानना चाहते हो कि भाई हाँ ये चीज़ निकलती है, इसके चलते डॉग को लिया जाता है पिटबुल जैसे को, और कई लोग उसकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं और इसके चलते भी लेते हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं लोग डॉग की रिक्वायरमेंट समझ कर जो लेते हैं। देखो डॉग एनर्जेटिक होता है, पिटबुल काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव भी हो सकता है अगर ढंग से ना रखा जाए, और वो गार्डिंग के मामले में भी अच्छी डॉग ब्रीड है, तो उसके चलते कई लोग ये चीज़ समझते हैं हमारे घर में ना फार्म हाउस है हमें उसकी गार्डिंग के लिए डॉग ब्रीड चाहिए, पिटबुल उसके लिए सुटेबल डॉग ब्रीड है, और हमें आगे मतलब बेसिक जो रीज़न रहेगा हमें उसका गार्डिंग के लिए चाहिए, और दूसरी चीज़ उस डॉग को भी एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा, अच्छी खासी लंबी चौड़ी ज़मीन मिल जाएगी, खुला घूम सकता है दौड़ भाग सकता है, उसके नेचर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वो ले आते हैं जो कि बिल्कुल सही चीज़ बैठती है। अब दूसरे डॉग लवर वो होते हैं, डॉग लवर भी नहीं जो खाली अपने टोरे के लिए ले आते हैं कि भाई हम तो शहर में रह रहे हैं घर में जगह है नहीं है, डॉग ट्रेडमिल लगवा नहीं सकते, हम डॉग को बाहर ले जा नहीं सकते, उसकी एनर्जी की हम चैनलाइज कराने की छोड़ो, बस हम अपने शौक के लिए लेके आ रहे हैं कि हम अपने यार दोस्तों में ये दिखाएंगे देख भाई तेरे भाई के पास पिटबुल है, या फिर हमारे घर में तो पिटबुल लेके आए हैं तेरे को पता है हमने पिटबुल को हैंडल करना सीखा है, या फिर हमारे घर में तो पिटबुल लेके आए हैं अब देखियो तेरे पीछे लगवाऊंगा मैं उसे ये करूँगा। अलग अलग शौक होते हैं लोगों के, अलग अलग सोच होती है, जिसके चलते लोग ऐसे काम भी करते हैं। खैर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे अगर डॉग को लेके आया जाता है तो उसके एक तरीके से जो उसका नेचर है उसे ही ख़राब करा जाता है। अगर हम बात करते हैं पिटबुल डॉग एक एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है, उसे स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, उसका एग्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते कई लोगों से आप सुनते हो कि भाई पिटबुल ने वहाँ पे उस घर में हमला कर दिया, उस बच्चे पे हमला कर दिया, उसकी टांग खा गया, उसे पकड़ के घेर दिया, उसे गर्दन पकड़ के गिरा दी, दिल्ली में यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे घेरा है, कल को पिटबुल ने उस जगह पे हमला करा है, आपको आए दिन ऐसे चीज़ें सुनने को मिल सकती है। लेकिन इसका रीज़न क्या होता है, देखो लोगों की गलती होती है, यहाँ पे मैं सीधी बात ये बोलता हूँ कि अगर वो डॉग को टाइम नहीं दे सकते, उसे वॉक पे नहीं ले जा सकते, उसकी एनर्जी को चैनलाइज ही नहीं कर सकते, ना डॉग ट्रेडमिल अफोर्ड कर सकते हैं, खाली वो 10-5 हज़ार रुपये में पिटबुल जो मिलता होता है वो उठा के ले आते हैं कि पिटबुल के नाम पे पिटबुल रख लिया, भले डॉग की ब्रीडिंग किस तरीके से हो रही हो उसे पप्पी मिल से लेके आ रहे हैं, बहुत गंदे तरीके से ब्रीडिंग होती है, तो उसके चलते उसे सस्ते रेट में दे दिया जाता है कि वो सोचते चल भाई 5-10 हज़ार रुपये कमाए अपने कुत्ता निकल यहाँ से, जिसके चलते काफ़ी कम रेट के अंदर भी कई लोग कुत्ते को इस तरीके से बेच देते हैं, जिसके चलते आप लोगों को तो लगता है भाई हम तो काफ़ी कम रेट के अंदर ले आए अब हमारे पास तो ये आ गया, लेकिन फ्यूचर में चल के उस डॉग के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है, आपको इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा। तो कोशिश ये करो कभी भी ब्रीडर की तरफ मत जाओ, अगर किसी से ले रहे हो तो उसकी होम ब्रीडिंग का बच्चा हो। अब होम ब्रीडिंग के नाम पे भी ना काफ़ी लोग ब्रीडर बैठे हैं, उनके जब भी फीमेल हीट पे आती है तो तुरंत बच्चे करवा लेते हैं, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा गलत है, आप लोगों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आपको एक या तो डॉग ले रहे हो एक एथिकल से लो जो ब्रीडर है, या फिर जो होम ब्रीडिंग करता है, या फिर मत लो, आप स्ट्रीट डॉग को भी अडॉप्ट कर सकते हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं भाई, वो आपके हर एक ब्रीड का जो डॉग काम करेगा ना सेम वो काम भी करके वो दिखा सकते हैं, बकायदा कई केसेस के अंदर ज़्यादा ही अच्छे बैठेंगे, कि उनकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी होती है, इम्यून सिस्टम ज़्यादा अच्छा होता है, उनके नखरे नाके बराबर होते हैं खाने पीने में, जिसके चलते वो आप लोगों के लिए एक बेटर चॉइस भी साबित हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों को डॉग के साइज़ से दिक्कत नहीं है और आप एक डॉग खरीदने की सोच रहे हो तो उसकी जगह कोशिश ये करो अगर आप अडॉप्ट कर सकते हो, क्योंकि आप एक दूसरे डॉग को सेम घर दे सकते हो, उसे उस पैसों में एक अच्छी केयर दे सकते हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल दे रहे हो बदले में, जिसके चलते देखो डॉग तो डॉग होता है वो आपको प्यार उतना ही करेगा, बस यहाँ पे वो बात आ जाती है कई लोग डॉग लवर के नाम पे ब्रीड लवर होते हैं जो कि ब्रीड को प्रमोट करते हैं, लेकिन अगर आपको छोटे डॉग की रिक्वायरमेंट है तो छोटे डॉग की तरफ चले जाना, उस केस के अंदर आपको इंडियन डॉग ब्रीड की तरफ जाना ही नहीं चाहिए, उसमें भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होता। तो खैर अगर हम बात कर रहे थे अभी पिटबुल की तो उसी पे आ जाते हैं वापस, पिटबुल को अगर आप लोग हैंडल नहीं कर सकते, हैंडल करने से यहाँ पे मेरा यहाँ पे ये मतलब आ रहा है उसका एग्रेशन को कंट्रोल करना। अब कई लोग यहाँ पे एक और कैटेगरी निकल के आती है जो कि पिटबुल लेते हैं या पाकिस्तानी बुली अमेरिकन बुली इस तरीके की डॉग ब्रीड को लेते हैं और उसे फाइटिंग के लिए रेडी करते हैं। खैर इस कैटेगरी में ना डॉग अर्जेंटिनो भी ले लो, आपका आपका काने कोर्स हो गया, इस तरीके की डॉग ब्रीड भी ली जाती है
जिसे कि फाइटिंग के लिए रेडी करा जाता है। अब डॉग्स फाइटिंग के लिए कभी भी रेडी नहीं होते। अगर हम बात करते हैं टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए डॉग लड़ते हैं, लेकिन वो किसी की जान लेने के लिए तक नहीं लड़ते। लेकिन अगर हम बात करते हैं डॉग फाइटिंग जैसे जंगे पे, तो डॉग अपने आप को सर्वाइव करने के लिए तब तक लड़ता है जब तक सामने वाला कुत्ते की बुरी हालत ना हो जाए या फिर वो मरने के लिए ना हो जाए। अब आप लोग एक चीज़ बताओ, जब आप लोगों ने किसी जानवर को लाइफ ही नहीं दी तो आपके पास कोई हक नहीं होता उस जानवर की लाइफ छीनने का। तो डॉग फाइटिंग जैसा स्पोर्ट्स तो हर हाल में बैन हो जाना चाहिए इंडिया के अंदर। खैर अगर हम अभी बात करते हैं तो कई लोग इसी के चलते ही डॉग को लेते हैं और वो खुलेआम इस चीज़ को पब्लिकली भी मानते हैं कि देखो हमारे डॉग के ना ये निशान इस निशान का, यहाँ पे इसने इस डॉग को मारा था इसके चलते इसके ये निशान पड़े, वो चीज़ सरासर गलत है। तो आप लोग इस चीज़ को समझना चाहिए। अगर हम बात करते हैं पिटबुल एक अच्छी डॉग ब्रीड भी हो सकती है, आपको उसकी बुराई की तरफ ही नहीं जाना चाहिए। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि भाई हम तो हॉट ब्लड लेके आएंगे, हम तो एग्रेसिव बनेंगे, लेकिन हॉट ब्लड में भी ना डॉग टू डॉग बिहेवियर वेरी करता है। आप हॉट ब्लड लेके आ रहे हो लेकिन उसका नेचर कोल्ड ब्लड वाला है, ये तो ब्लड की बात तो छोड़ ही दो। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो पिटबुल तो एक ही तरीके के देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं अमेरिकन पिटबुल टेरियर की, उसके अंदर लोगों ने अपना बहम पाल रखे कि कोल्ड ब्लड है हॉट ब्लड है। आप किसी भी डॉग को जिस तरीके से रखोगे वो वैसा बन जाएगा। अगर कल को कोई आपको कोल्ड ब्लड ला के दे और आपके घर में अच्छे तरीके से डॉग की केयर करी जाती है, उसका बच्चों की तरह ध्यान रखा जाता है, तो वो कहाँ से हॉट ब्लड बनेगा? वो एक कोल्ड ब्लड का ही तो बनेगा ना आगे चल के। तो ये चीज़ तो कहने के लिए हो जाती है कि हॉट ब्लड है कोल्ड ब्लड है, पिटबुल पिटबुल ही होता है और डॉग टू डॉग बिहेवियर वेरी भी करता है। इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि डॉग टू डॉग बिहेवियर वेरी करने से कि कभी ये हो सकता है कि डॉग थोड़ा ज़्यादा टेम्परामेंट में हाई हो, उसके अंदर एग्रेशन ज़्यादा हो। कई डॉग के अंदर आपको कम देखने को मिलता है, कई डॉग के अंदर एनर्जी लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है और कई डॉग के अंदर कम देखने को मिलता है, और ये हर एक डॉग के अंदर देखने को मिल जाएगा आपको। तो इसके चलते आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ मैं इस डॉग के लिए रेडी हूँ, इसे मैं हैंडल कर सकता हूँ, आराम से रख सकता हूँ, घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे एक्सरसाइज पे ले जाऊँगा। अगर मैं सिटी के अंदर रह रहा हूँ तो मैं इसके लिए इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं इसे प्रॉपर सोशलाइज कराऊँ, इसे एक्सरसाइज पे लेके जाऊँ। अगर खुदा ना खास्ता बारिश जैसा मौसम है, ठंड ज़्यादा है और मैं इसे बाहर नहीं ले जा सकता, या किसी रीज़न के चलते मैं बाहर नहीं जा सकता या मेरी फैमिली भी नहीं ले जा सकती, तो घर पे इस केस के अंदर डॉग ट्रेडमिल रेडी रखा है जिस पे दौड़ सकता है, अपनी एनर्जी को बर्न कर सकता है। साथ में इसे प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगा जिसके चलते जब मैं इसे लीव की कमांड दूं तो ये वहाँ पे छोड़ दे। अगर बाई चांस इसने किसी चीज़ को पकड़ लिया तो लीव की कमांड सुन के या फिर नो की कमांड सुन के ये वहाँ से शांत हो जाए। इसे मैं प्रॉपर इतना सोशलाइज करूँगा कि ये किसी स्ट्रीट डॉग के ऊपर या किसी सामने वाले के डॉग के ऊपर या सामने वाले इंसान के ऊपर हमला ना करे। आप लोगों इस चीज़ को समझ के अपने डॉग का बिहेवियर को चैनलाइज करके उसे अपने हिसाब से ढालना पड़ेगा। और पिटबुल की अगर आप लोग रिक्वायरमेंट समझना चाहते हो ना तो बहुत वीडियो बना रखी है मैंने, आप वहाँ से जाके समझ सकते हो कि हाँ ये चीज़ होती है ये चीज़ नहीं होती। लेकिन अगर मैं सीधी चीज़ें बताऊँ, पिटबुल एक एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है जिसे कि आपको उसकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए एक्सरसाइज तो करानी पड़ेगी, सोशलाइजेशन इस डॉग के लिए मस्ट होता है। तो उस चीज़ को भी समझो, बच्चों के लिए कभी भी पिटबुल बुरा नहीं हो सकता अनटिल अनलेस आपने उसे बांध के रखा है, उसके अंदर एग्रेशन डेवलप कर रखा है, तो वो भाई छूटते ही है। एक चीज़ लगा लो, अगर आपको घर के अंदर बांधा जाए और घर से छोड़ दिया जाए तो आप अचानक से गुस्से में निकलोगे ना, सेम वही चीज़ पिटबुल के साथ भी समझो। कभी भी किसी डॉग को ब्लेम करने से पहले अपनी गलती को भी लेके चलना चाहिए, इस चीज़ को समझना। और अगर आप लोग वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो अपने यार दोस्तों के साथ जो कि ब्रीड की तरफ जा रहे हैं पिटबुल जैसी, और उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो डॉग के साथ खुद भी परेशान हो सकते हैं।